होता है, उस टाइम ये आ पाता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग स्टार्ट से देख रहे हैं, ये होता है क्या? हाईली रिएक्टिव, हैविंग शॉर्ट हाफ लाइफ बट रियल मेजरेबल स्पीसीज व्हिच कैन बी सेपरेटेड फॉर मेजरिंग स्टेबिलिटी। ये बनता कब है? जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो उसके बीच में जो स्पीसीज बनता है उसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे है, इसमें देखना एक और भी सब टॉपिक रहा था, इसी का पार्ट है बेसिकली। उसको लोग बोलते हैं बाउंड डिसोसिएशन, जब बाउंड ब्रेक होता है, बाउंड डिसोसिएशन। अब कोई मॉलिक्यूल है, कोई रिएक्टेंट है, उससे नया मॉलिक्यूल बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें जो बाउंड ब्रेक हो उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ होगा। एटम तो ब्रेक होता नहीं है यहाँ पे, इसमें क्या होता है? बाउंड ब्रेक होगा। तो अगर बाउंड डिसोसिएट हो रहा है तो मेनली यहाँ पे देखना है कि कितने टाइप से बाउंड डिसोसिएट हो पाता है। तो जो बाउंड डिसोसिएशन है मेनली वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट आता है होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, और सेकंड होता है हेटरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। सेकंड में रहेगा हेटरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। अब एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कि होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा। जैसा कि नाम से क्लियर लग रहा है, होमोलाइटिक दैट इज बॉन्ड तो डिसोसिएट होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन का क्या लिखा हूँ, बीडी, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। अब देखने की होमो का मतलब क्या है, सेम। तो जब भी बॉन्ड अगर डिसोसिएट हो रहा है और कोई भी अगर बॉन्ड रहता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई भी सेम एटम का कोई मॉलिक्यूल आ रहा हो ए और ए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है, जो इस ए का है वही इस ए का भी है, और इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा दैट मीन्स सेम, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। तो जब इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो, सेम टाइप के एटम से कनेक्टेड आ रहा हो, सेमी एटम से कनेक्टेड आ रहा हो, जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, कभी भी अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इसमें क्या होता है, इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस ए पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ए पे आ जाता है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा ए, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ए पे भी क्या रहेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और जब कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। जब भी किसी एटम पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है दैट इज वो क्या है, फ्री रेडिकल। तो देखने की होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जो होता है ये कब होता है, तो जनरली जब ये सेम एटम से बॉन्डेड होता है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम एटम, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम एटम, जब सेम एटम के बीच में ये बॉन्ड आ रहा हो वहां पे क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। और सेम एटम बोलने का मतलब क्या है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब एटम ही सेम है तो दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सेम है तो ना तो ये अपने तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ना तो ये, दोनों इक्वल इक्वली अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन डिसोसिएट भी अगर होता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। और इसको किसी फॉर्म में वो एनर्जी देते हैं, देखिए पढ़े हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर में E इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी अगर मिलता है इसको ए टू मॉलिक्यूल को, कि ए फ्री रेडिकल और ए फ्री रेडिकल में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये याद कर क्या रखना है इसमें, कि होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन कब होता है, जब सेम एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसका कुछ एग्जाम्पल देखें यहाँ पे हम लोग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है एक्स टू का, एक्स और एक्स हाइड्रोजन का। हेलोजन को भी अगर एच न्यू के फॉर्म में अगर एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी एक्स और एक्स दोनों सेम ही एटम है, ये भी कैसे ब्रेक हो जाएगा, एक्स फ्री रेडिकल प्लस एक्स फ्री रेडिकल। या फिर एक एग्जांपल और देखें हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्योंकि सेम ही एटम है। आर ओ आर पेरोक्साइड लिंकेज, ये बॉन्डिंग में पड़े हो गए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज।
अब यहाँ भी क्या है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है सेम एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ये भी जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है, बॉन्ड अपने आप डिसोसिएट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको इनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, एच न्यू के फॉर्म में इनर्जी को दे रहे हैं। फार्मूला सबको पता है इजिकल टू एच न्यू, इसको एच न्यू के फॉर्म में जब इनर्जी मिलता है तो इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। तो जब भी सेम एटम के बीच में बॉन्ड आ रहा हो तो वहां पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वो कैसा होता है, होमोलाइटिक, दैट मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। तो कंक्लूजन में यहाँ पे लिखना है एक नोट कि होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जब भी होता है तो वो जनरेट क्या करता है, फ्री रेडिकल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे राइट नोट डाउन कर लेना था, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट फ्री रेडिकल, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट फ्री रेडिकल। मतलब नोट कर लो पहले, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वो क्या जनरेट करेगा, फ्री रेडिकल, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होना। कंक्लूजन यही है कि होमो का मतलब सेम, डेट में से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रेक हो जाएगा वो बॉन्ड, जब भी उसको किसी भी फॉर्म में एनर्जी अगर प्रोवाइड किया जा रहा है उस मॉलिक्यूल को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, होमोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन जनरेट्स फ्री रेडिकल। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम एटम या बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे लिख सकते हो, जब इलेक्ट्रॉनिटी का वैल्यू क्या हो दोनों एटम का सेम आ रहा हो तो वहां पे बॉन्ड एसोसिएशन जो होता है होमोलाइटिक। चलो नोट कर चुके हो गए हम, आगे देखते हैं फिर। इसमें सेकंड पार्ट आता है इसका, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन। और जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन होता है वो जनरली टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो पाता है वहां पर। चलो नोट कर चुके हो गए, अब आगे देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट इसका, हेट्रोलाइटिक सेकेंड पार्ट है इसका, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन अब देखना है कि हेट्रोलाइटिक नाम से क्लियर है कि ये हेट्रोलाइटिक कब होता है, जब टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि ए और बी, और हम लोग यहाँ पे भी एज्यूम कर रहे हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यन का मतलब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, ए का बी का इलेक्ट्रॉन वैल्यू क्या ए से ज्यादा है,
वैसे भी हम लोगों को पता है कि इसमें जो ओरिएंटेशन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, बी की तरफ ज्यादा रहेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है। और फाइनली होता है क्या यहाँ पे है, जब भी ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है जिस एटम का, और इसका ज्यादा आ रहा है यहाँ पे है, तो फाइनली इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन बी पे आ जाता है और ये क्या होगा, ए प्लस और ये बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस इस टाइप से आ पाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखना यहाँ पे है ए प्लस और बी माइनस, दैट मीन्स एक केटायन और एक एनायन, तो ये कब होता है, जब डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे ए और बी का हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बी का वैल्यू क्या ज्यादा है, ए प्लस और बी माइनस। अब इसको एग्जांपल से समझें, जैसे कि एच सी एल है, सबको पता है कि एच सी एल है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा है, ये कैसे ब्रेक होगा, एच सी एल को जब वाटर में डिजोल्व किया जाएगा ये कैसे ब्रेक हो जाता है, एच प्लस और सी एल माइनस, ये कैसे सोच रहे हैं हम लोग, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसका कम उस पर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर भी वही हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सी एच थ्री सी एल और यहाँ पे एसपी थ्री कार्बन और क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, थ्री, और ये एसपी थ्री कार्बन का 2.5, इसका अगर ज्यादा है यहाँ पे क्लोरीन का, ये भी किस टाइप से आ जाएगा, सी एच थ्री प्लस, कार्बन पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रहेगा और सी एल माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, केटायन और एनायन, वो क्या जनरेट होगा इसमें, केटायन और एनायन। यहाँ पे कंक्लूजन लिखना था ये कि जब भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन होगा तो जनरेट्स क्या होगा, केटायन एंड एनायन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड एसोसिएशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स केटायन एंड एनायन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जनरेट्स केटायन एंड एनायन, जनरेट्स केटायन एंड एनायन। बहुत ही सिंपल सा अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अगर होमो होगा तो फ्री रेडिकल, और जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो क्या होता है, केटायन एंड एनायन। अब क्या होता है कि अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो केटायन इन जनरल बोलते हैं, बट वही पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पे आ रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बो केटायन, और वही नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे हो तो कार्बेनायन। तो जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो फिर इंटरमीडिएट जो हम लोग पीछे देख रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट, तभी रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। तो हम लोगों को जो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना है यहाँ पे मेनली, सब टॉपिक हम अभी स्टार्ट किए थे रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो अभी हम लोगों को देखना है। और हम लोग केटायन और एनायन तो आ ही रहा है, बट मेनली हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो केटायन और एनायन बनेगा यहाँ पे, इसमें जो केटायन और एनायन बनेगा यहाँ पे, और कार्बन का, कार्बन की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस कार्बन केटायन और कार्बन आयन, तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा इसमें, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बो केटायन का, दैट मींस केटायन एनायन रेडिकल, यही तीन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है जब बॉन्ड ब्रेक होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। पहला जो बनेगा इसमें हम लोग देखेंगे कार्बो केटायन, ये फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा कार्बो केटायन। सेकेंड है इसमें कार्बेनायन या फ्री रेडिकल लिख सकते हो, क्योंकि कार्बो केटायन फ्री रेडिकल एक जैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे एक जैसा होता है फ्री रेडिकल।
और थर्ड है इसमें कार्बेनायन। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कि होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन जब हो रहा था तो क्या जनरेट हो रहा था, फ्री रेडिकल। हेटरोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा था तो वो क्या जनरेट करता था, केटायन और एनायन, दैट मीन्स कार्बोकेटायन, कार्बन की बात करें और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बेनायन। ये थ्री इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के बीच में, जो कि पूरा ट्वेल्थ में ये सब आते रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी है क्योंकि कुछ केस में आ पाता है, तो फोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही तीनों है। कुछ और भी है क्योंकि कुछ रिएक्शन के बीच में बन पाता है, तो फोर्थ आता है कार्बिन, फोर्थ है इसमें कार्बिन। इसे के नीचे तुम लोग लिख लोगे, फिफ्थ में नाइट्रीन और सिक्स में बेंजाइन, BENZYNE बेंजाइन। ये सिक्स इंटरमीडिएट हम लोगों को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना रहेगा। कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बेनायन, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन, और ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। अब एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटायन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको देख भी लिए कि कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बेनायन बनता कैसे है। तो फ्री रेडिकल कैसे बन रहा था, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन से, और होमोलाइटिक कब होगा, जब सेम एटम के बीच में हम बताओ, जिसका जो डाउट है वो चैट में बता सकते हो, और कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है। हाँ, आगे देखना था यहाँ पर कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन, और फर्स्ट है इसमें कार्बोकेटायन, इसको नोट डाउन करो यहाँ तक, आगे देखते हैं हम लोग कार्बोकेटायन को। ये तो हम लोग बेसिक देख रहे थे। बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना था रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो हेडिंग था अपना वो क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये कुछ बेसिक से देख रहे थे। बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना था वो था क्या, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बेनायन। तो देख लोगे वहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और किन्हीं को यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है वहां पे, तो क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग। फर्स्ट है इसमें कार्बोकेटायन, फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे हम लोग कार्बोकेटायन। अब इसको डिटेल में देखना रहता है कि कार्बोकेटायन होता क्या है, इसका स्टेबिलिटी कैसे मेजर करते हैं हम लोग कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का सिंपल सा रूल है कि कार्बोकेटायन कब रहता है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, C(R1)R2(R3), और जब भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे है, इस टाइप से सोचना कि कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के पास, तो कार्बन पे कार्बन का धनात्मक क्या होता है, 4 में से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, दैट मीन्स कोई लोन पेयर नहीं हुआ कार्बन के पास। तो तीन में से तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, तो तीन तो खुद का और तीन शेयर कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या आता है इसके पास, 6। इसको पॉइंट वाइज करके लिखते जाना है यहाँ पे कि कार्बोकेटायन अगर आ रहा है यहाँ पे क्या रहता है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं 6, और टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, दैट मीन्स ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगर देखोगे इसके पास अगर ऑक्टेट पूरा नहीं आ रहा है इसका,
तो ये सिक्स ही इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर सकता है इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लेविस एसिड, ये एक लेविस एसिड भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा याद रखोगे लेविस एसिड क्या होता है, लिख देता हूँ ब्रैकेट में, लोन पेयर एक्सेप्टर, एक ऐसा स्पेसीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। देखोगे ध्यान से मैं सारा पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूँ, इसमें कहीं पे अगर टर्म आता है लेविस एसिड तो एक ऐसा स्पेसीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, उसको तो क्या बोलते हैं वो लेविस एसिड, और आगे हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरह लेविस बेस, तो लेविस बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर, एक ऐसा स्पेसीज जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा हो वो लोन लेविस बेस, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। क्यों लोन पेयर एक्सेप्टर है, सिक्स इलेक्ट्रॉन ही है, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग लेविस एसिड। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2, तीन सिग्मा बॉन्ड को लोन पेयर नहीं आ रहा है वो क्या रहेगा sp2। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा इसका, R1 कार्बन R3 किसी के बीच का बॉन्ड एंगल जो रहेगा 120 डिग्री दिखाया भी जा रहा है 120 के अप्रॉक्स। इसके शेप की बात करते हैं हम लोग, शेप क्या रहेगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ये सब एस्पेक्ट थ्योरी का पार्ट है, बेसिकली बॉन्डिंग में पढ़ रखे होंगे। शेप क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर आ रहा है, तीन बॉन्ड पेयर है, डेट मीन्स तीन बाउंड पेयर, बॉन्ड या बाउंड पेयर बोल लो, बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है, थ्री। कार्बन पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है उसका। अब देखने की यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है कोई फ्री रेडिकल नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के फॉर्म में है, पेयर्ड है वो, डेट मीन्स अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो एक किस टाइप का स्पेसीज हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब देखने की यहाँ पे जो भी कार्बोकेटाइन रहता है उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाता है। अब ये नया पॉइंट आ रहा है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ये रीअरेंजमेंट कैसे कराते हैं कार्बोकेटाइन का, ये हम लोग सीखेंगे इसी टॉपिक में कार्बोकेटाइन में, इसको बस अभी नोट कर लेना था, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाता है कार्बोकेटाइन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे देखने हैं हम लोगों को, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा, यहाँ पे देखना कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, सिक्स इलेक्ट्रॉन ही है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, एक्सेप्ट करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी अगर डोनर ग्रुप हो जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके तो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है वहां पे। चलो बताओ क्या डाउट है इसमें, इसका भी डाउट था, बताओ अनम्यूट करके बताओ क्या डाउट है इसमें। अभी तुम बस प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ बताओ कोई डाउट है इसमें से, चलो देखते हैं आगे हम लोग। इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, तो मैं जैसे जो भी तुम लोगों का होगा, जैसे बोर्ड एक पेज कंप्लीट होगा, जो भी डाउट रहेगा मैं खुद ही बोल दूंगा, उसमें जो भी डाउट है वो पूछ पाओगे फिर लास्ट में। तो देखते हैं इसका, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा कि कोई भी कार्बोकेटाइन है
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जिसको भी बोलते हैं हम लोग। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है 6 है, इसको हम लोग क्या बोल पाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। ऑक्टेट इनकम्प्लीट इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, अगर कोई भी डोनर ग्रुप होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा इस कार्बन के टाइम को, वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करता है। तो स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप जो है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन। प्लस आई प्लस एम हाइपर कंजुगेशन और ग्रुप कनेक्टेड है कार्बोकेटाइन से, वो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया 11th में, वहां से तुम देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग। या फिर भी किन्हीं को दिक्कत है तो मैं कार्बन का सिर्फ बता सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कार्बन का बताया था कि कार्बन सिंपली क्या करना है यहाँ पे है कि कार्बन के अराउंड अगर, तो यहाँ पे देख लोगे सिंपल सा, किसी कार्बन का अगर निकालना हो कि यहाँ पे एच है और एच है, तो कार्बन के अराउंड अगर सिर्फ दो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा दो पाए, तो जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसके अबाउट कितना सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट करना है। यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड अगर आ रहा है वो क्या हो जाता है sp, तो सिग्मा बॉन्ड आया तो वो क्या रहता है sp। अर्किनी को दिक्कत है बट ये दिक्कत 11th का पार्ट ही है। अब इसी तरीके से कहीं पे स्ट्रक्चर कोई आ रहा है h और h, यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है एक ही पाई बॉन्ड है, तीन यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड कार्बन के राउंड, यहाँ पे कार्बन के राउंड तीन सिग्मा बॉन्ड, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो क्या जाएगा, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ये क्या जाएगा sp2। और एक और देख लोगे इसमें कि अगर CH4 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है कहीं पे, इसका क्या हो जाएगा sp3। इस टाइप से यहाँ पे देखना रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दो ही सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, दो सिग्मा बॉन्ड sp, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। इस टाइप से लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाते हैं। हाँ, हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो प्लस आई प्लस एम हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों कैसा ग्रुप होता है, डोनर ग्रुप, हम लोग क्लास में लिखे भी थे। ये तीनों जो ग्रुप रहता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि माइनस आई और माइनस एम ग्रुप ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि पहले से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जो भी कुछ होगा इलेक्ट्रॉन वो भी माइनस आई और माइनस एम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ कर लिया अपने साइड ग्रुप, वो क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन आगे हम लोग अभी करने वाले हैं। तो जब भी कार्बन से कोई प्लस आई प्लस एम हाइपर कंजुगेशन ग्रुप कनेक्टेड होगा तो उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, और कोई माइनस आई माइनस एम ग्रुप कनेक्टेड होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, वहां पे डिक्रीज हो पाएगा उसके। ये तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे कार्बोकेटाइन का यहाँ पे। आई होप सब लोग नोट भी कर चुके होगा यहाँ तक, सिंपल पॉइंट है यहाँ पे। अब इसके कार्बोकेटाइन के कुछ एग्जांपल्स देखने की, कौन कौन से कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, उसके नेम क्या रहेगा यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोकेटाइन। सर मैं यहाँ पे जगह में कुछ एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हो CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो, तो हम लोगों को पता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को क्या बोलते थे हम लोग, विनाइल ग्रुप। स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़े थे नोमेनक्लेचर के टाइम में, तो ये विनाइल ग्रुप था और विनाइल ग्रुप के इस कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। अगर सिर्फ मैं कहीं पे C+ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, कार्बोकेटायन से, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, विनाइल कार्बोकेटायन। इसी तरीके से अगर कुछ आ रहा हो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ रहा हो, तो ये क्या था, अगर यहाँ पे प्री बॉन्ड होता तो क्या रहेगा, एलाइल ग्रुप।
एलाइल ग्रुप आ रहा है और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे हम लोग एलाइलिक कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें एलाइलिक कार्बोकेटायन। सिमिलरली अगर इस टाइप का कोई एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे बेंजीनिंग और ये CH2O, इस ग्रुप का पूरा नाम क्या था, बेंजाइल ग्रुप। अब क्या हो, इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए उसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन C+ फॉर कार्बोकेटायन। इसी तरीके से कहीं पे आ जाए CH3 CH2+, सिंपल सा एग्जांपल आया। इस ग्रुप का नेम पता है क्या, इथाइल ग्रुप अगर फ्री बॉन्ड यहाँ पे होता इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। इस टाइप से इसका नेमिंग रहता है यहाँ पे। कुछ एग्जांपल भी नीचे नोट कर लोगे, CH3+ होता तो मिथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन, इस टाइप से इसका नेमिंग कर पाते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो हम लोग चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज होगा उसमें कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना रहेगा हमें। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो कि +I+MHC को क्या बोले थे, डोनर ग्रुप, और -I -M को क्या बोल सकते हो, विड्रॉइंग ग्रुप या एक्सेप्टर ग्रुप, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ये दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर ग्रुप, जो कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करता है। चलो देखते हैं फिर आगे हम लोग। बता तुम्हारा क्या डाउट था, कुछ लोग टाइप कर रहे थे इजी नहीं समझा, उसमें क्या आ रहा है तुम्हारा। यहाँ पे जो भी आ रहा है ये क्या है, CH3 CH2+, ये क्या था, यहाँ पे फ्री बॉन्ड होगा, ये इथाइल ग्रुप था, फ्री बॉन्ड को हटा के पॉजिटिव चार्ज लाया गया इथाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट है इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, हम क्लास में किए भी हैं ये एग्जांपल, फिर भी इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। CH3+ CH3 CH2+ CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 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 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो आ रहा है चार कंपाउंड है, इस चारों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करने का पांच ही फैक्टर था जो हम लोग पीछे अभी देख चुके थे, +I+M हाइपर कंजुगेशन और -I -M, जो कि हम लोग GOC में पढ़े भी थे। तो अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन के कंसेप्ट की बात करें तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस फोर्थ एग्जांपल में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन जो रहेगा वो कितना पाएगा यहाँ पे, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में देखें 3+3+3 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है। इसमें कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन रहेगा, 3+3 6,
इसमें कितना आ रहा है यहाँ पे 3, और इसमें 0 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है, ये हम लोग हाइपर कंजुगेशन में ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के कारण भी साथ साथ ये CH3 जो है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो लगा ही रहा है, साथ साथ ये तीनों CH3 क्या लगाता है, प्लस आई भी लगाता है। ये प्लस आई, ये भी प्लस आई नेचर, जितना भी अल्काइल ग्रुप है सब प्लस आई लगाता है, जिसमें अल्फा CH भी ज्यादा है और तीन तीन प्लस आई नेचर का ग्रुप है जो कि डोनर ग्रुप होता है। ये कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका रहेगा, स्टेबिलिटी किसका रहेगा, फोर्थ का, फिर थर्ड का, क्योंकि थर्ड में 6 अल्फा CH भी है और 2 प्लस आई ग्रुप भी है यहाँ पे। थर्ड के बाद फिर क्या रहेगा, सेकेंड में अल्फा CH भी क्या है, 3 है और 1 प्लस आई ग्रुप भी आ रहा है यहाँ पे। और फिर क्या रहेगा इसमें, एक लास्ट में फर्स्ट आ जाएगा, इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है यहाँ पे। इस टाइप से हम लोग सोच पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें CH3 प्लस और CD3 प्लस, इस दोनों कार्बोकेटाइन में कंपेयर करना है कि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा यहाँ पे। ऐसे केस में अगर देखें, चलो इसको मैं अगर डिटेल में समझाऊं यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे CH, H और H पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है C, D, D और ये D, इस केस में भी पॉजिटिव चार्ज। अब होता है क्या यहाँ पे है, यहाँ पे जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या, एक में हाइड्रोजन है और एक में ड्यूटेरियम है। तो हम लोगों को पता है कि अगर प्लस आई वाले ऑर्डर में जाकर के देखोगे कि ड्यूटेरियम का प्लस आई नेचर ज्यादा है, जाकर के कॉपी देख सकते हो अभी यहाँ पे लिखे थे ऑर्डर ऑफ प्लस आई है, तो ड्यूटेरियम का प्लस आई नेचर ज्यादा होने के चलते ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बोकेटाइन को, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वो सेकेंड का ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। ये फर्स्ट इसको सेकेंड बोले, रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में यहाँ पे, कि प्लस आई ऑफ ड्यूटेरियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम का प्लस आई क्या रहता है, ज्यादा रहता है हाइड्रोजन से, जिसके चलते ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। थर्ड एग्जांपल है इसमें, इस टाइप का एग्जांपल आ रहा हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे OH हो, और एक एग्जांपल इस टाइप से आ रहा हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एक एग्जांपल में और भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसको सोचना रहेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, 5 नंबर डिंग है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो और 6 नंबर डिंग है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चलो पहले हम लोग थर्ड वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। तो थर्ड वाले एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बट देखने की यहाँ पे जो सेकेंड में जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में जो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हम लोग कंजुगेशन पढ़े थे टाइप ऑफ रेजोनेंस, जब पढ़ रहे थे टाइप ऑफ कंजुगेशन में, पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विथ लोन पेयर, ये जो लोन पेयर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में आ रहा है, यहाँ पे ये रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। और जब रेजोनेंस का प्रोसेस हो पा रहा है यहाँ पे, इसका जो स्टेबिलिटी है फर्स्ट का ज्यादा रहेगा, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे इस केस में जो आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बोकेटाइन है, फर्स्ट में रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, दैट मीन्स वो ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड से, सेकेंड में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे काउंट भी करोगे सिर्फ क्या रहेगा, मेसोमेरिक, और मेसोमेरिक क्या होगा, 6 अल्फा CH आ पाएगा। बट मैंने कल ही बताया था, तुम्हें याद हो कुछ, कल मैंने लास्ट में बताया था AE करके, कि हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहता है, रेजोनेंस का। अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करता है किसी भी स्पीसीज को, जिसके चलते फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो फोर्थ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस केस में यहाँ पे, इक्विलेटरल एंगल है, इनर एंगल क्या रहता है इसका, 60 डिग्री,
ये एंगल क्या रहता है 90 डिग्री स्क्वायर आ रहा है, बेसिकली स्क्वायर है। और ये क्या यहाँ पे है पेंटागन, इसका जो इनर एंगल आता है अप्रॉक्स 108 डिग्री के आसपास, और ये क्या रहता है 120 के अप्रॉक्स आ पाता है। अब देखना है यहाँ पे किसमें स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो कहें भी अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तीन बॉन्ड है कार्बन के पास और पॉजिटिव चार्ज हो, इसका बॉन्ड एंगल क्या रहा था, मैं पीछे पेज को लूँ अगर, तो बॉन्ड एंगल क्या रहा था 120। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें 60 आ रहा होना चाहिए था 120, लेकिन आ रहा है 60। तो जो एंगल स्ट्रेन होगा रहना चाहता है ये 120 पे, लेकिन इसको फोर्सफुली 60 डिग्री पे रखा जा रहा है, डेट में से लेस स्टेबल होगा। तो इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है इस चारों में सबसे ज्यादा रहेगा 4। क्यों ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जितना नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 कार्बन के टाइम का, उतना इसमें आ पाता है, हेक्सागन आ रहा है ये उतना रहता है, दैट मींस ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए था 120, लेकिन 108 आ रहा है, एंगल स्ट्रेन उसमें आ रहा होगा कुछ, जिसके चलते 4 के बाद आएगा 3 के बाद 2 के बाद 1, क्योंकि 1 में तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। एंगल स्ट्रेन ज्यादा बोलने का मतलब क्या है कि होना चाहिए था 120, लेकिन फिर भी रखा गया फोर्सफुली उसको 60 डिग्री पे, दैट मींस इसका स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में आएगा ये 3 मेंबर टीम का। रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, नॉर्मल बॉन्ड एंगल में डेविएशन जितना ज्यादा होगा, होना चाहिए था 120 है 60, तो डेविएट कितने से करा गया 60 डिग्री से, जितना 60 डिग्री अगर डेविएट करा दैट मींस में एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा हम बोल पाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का लॉजिक है यहाँ पे, इसको एक याद रखना था यहाँ पे। चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखेंगे एग्जाम्पल और इसी में। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, इसको क्या बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। जितना ज्यादा डेविएशन होगा नॉर्मल बॉन्ड एंगल से, हम लोग बोलेंगे उस मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, और स्ट्रेन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होता है कम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें नोट कर चुके हो सब लोग यहाँ तक। जो भी नंबरिंग था देख लोगे, 4 या 5 जो भी था उसमें। नेक्स्ट है इसमें CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज। अब इस तीन में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें इस तीन की, अगर पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर का, यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है sp2, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया दैट मींस sp, और यहाँ पे एक ही सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर भी नहीं है, इसका हम लोग sp भी नहीं बोल पाएंगे, बट ये बोल सकते हैं कि मोर s कैरेक्टर। यहाँ पे sp2 में s कैरेक्टर कितना रहता है 33.3 s कैरेक्टर, और बाकी p क्या रहेगा इसमें 66.6 p कैरेक्टर, sp आ रहा है, एक s और एक p, तो s कितना होगा 50% और p कितना होगा 50%। यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है जिसका sp भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहा था, तो मोर s कैरेक्टर, इसमें लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे मोर s कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़े हो गए, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है। तो sp2 का तो पता है कि sp2 कार्बन का कितना रहता है इसमें
2.75। एसपी कार्बन का भी मैंने क्लास में बता रखा है इंडक्टिव फेड के टाइम में 3.25, और इस कार्बन का एस कैरेक्टर और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा। इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं पता होता कितना है, बट हम लोग इतना बोल सकते हैं कि 3.5 से भी ज्यादा है। इस एरो का मतलब क्या है, मोर देन 3.25। अब देखना है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करा और पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, व्हाइल नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फर्स्ट का, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है ये ज्यादा स्टेबल आता है। ऑर्डर क्या रहेगा, 1, 2, 3, जो पीछे हम लोग पढ़े उसी लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो ये मोर स्टेबल, अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज तो वो ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे याद भी रखना था और ये कंक्लूजन याद रखना कि ये दोनों जो स्पेसीज होता है ये हाईली अनस्टेबल का डिग्री में रहता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, ये क्या रहता है, हाईली अनस्टेबल। इसलिए बोलते हैं जनरली डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाईली अनस्टेबल। ये याद रखना था कि कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ऑर्डर में क्या रहता है, लास्ट में ही आता है जनरली। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2CH पॉजिटिव चार्ज, और एक आ रहा CH2CH पॉजिटिव चार्ज। अब इस तीनों में कंपेयर करना है, खुद से सोचो, अब इसमें सोचा जा सकता है खुद से। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, और अगर ऑर्डर निकाल पा रहे हो तो बताओ इसमें चेट में क्या ऑर्डर आ रहा है इसका, सिक्स का। नेक्स्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, कुछ भी आ रहा है यहाँ पे इस टाइप से आ रहा हो, वन टू थ्री नहीं, देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। अब देखो इसमें सोचना कैसे स्टार्ट करना, देख लो चार पांच एग्जांपल और देख लोगे तो फिर सोचना शुरू कर पाओगे तुम लोग। अब यहाँ पे सोचते हैं सिक्स में, यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट वाले में कोई रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं है, सिर्फ तीन अल्फा CH है, ये क्या इसमें विनाइलिक कार्बोकेटायन। मैंने ऊपर में अभी जस्ट बताया था यहाँ पे 3, 1, 2 सही है, सही कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं इसमें, स्नेहा के देवकी के सही आ रहे हैं 3, 1, 2। अब यहाँ पे देखना है कि 3 यहाँ पे अल्फा CH कितना आ रहा है, 3 विनाइलिक कार्बोकेटायन, ये तो ऑर्डर में हमेशा लास्ट में आएगा, मैंने ऊपर लिख रखा हाईली अनस्टेबल आता है। अब यहाँ पे थर्ड वाले में क्या आ रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है और कहीं रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है एज कम्पेयर टू हाइपर कन्वेक्शन। ये याद रखना है रेजोनेंस का प्रोसेस है डेट में ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या हो जाता सबसे ज्यादा थर्ड, फिर 1 और 2 तो लास्ट में, क्योंकि वो विनाइलिक कार्बोकेटायन है हाईली अनस्टेबल होता है, ऊपर जस्ट लिखा हुआ ये ऑर्डर आ जाता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1। सेवंथ की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो सेवंथ में क्या रहेगा, अब देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ रेजोनेंस में आ रहा है, तो सेकेंड और थर्ड में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है। अब दोनों जगह जब रेजोनेंस में है तो सेकेंड वाले में देखना है कि पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में कितना अल्फा CH है, तो पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर अल्फा CH काउंट करोगे तो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3+2, 5, एक यहाँ भी अल्फा CH होगा बट वहाँ पे वो क्या है sp2 आ गया, तो sp2 कार्बन को हम लोग हाइपर कंजुगेशन में काउंट नहीं करते, तो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना होगा, 3+2, 5, जबकि इसमें कितना है सिर्फ 2,
तो सेकेंड और थर्ड दोनों में रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है, बट सेकेंड में रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट मीन जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज्यादा सेकेंड का देन थर्ड का, उसका फिर क्या रहेगा वन, फोर्थ तो सबसे लास्ट में, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसा कि ये केस था और ये केस था। जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो हाईली अनस्टेबल, टू थ्री वन और वन के बाद फोर, तो वन सबसे, टू थ्री के बाद क्यों, क्योंकि वन में कोई रेजोनेंस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम लोग चेकआउट कर पाते हैं वहां पे कि क्या रहेगा वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायनिक चेक करना रहेगा। इस केस में CH2 पॉजिटिव चार्ज हो। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज CH3 और एक आ रहा यहाँ पे CH2 इस टाइप से। इसमें सिंपल सा देख लोगे इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज, इस तीनों में कंपेयर करना है यहाँ पे। चलो देखो क्या रहेगा वहां पे। अब चलो देखना है यहाँ पे वन में, देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहा है यहाँ पे रेजोनेंस में आ रहा है बेंजीनिंग के साथ, सेकंड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में आ रहा है बेंजीनिंग के साथ, लेकिन जो थर्ड है उसमें पॉजिटिव चार्ज किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं आ रहा, कोई पाई बॉन्ड आई नहीं, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड मोर स्टेबल होगा थर्ड से। फर्स्ट एंड सेकेंड में कैसे कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है सिर्फ रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में तीन अल्फा CH भी होगा, तो 3α CH विथ रेजोनेंस और यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस, दैट मीन जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा किसका रहेगा सेकेंड का। तो तुम लोग रीजन भी लिखते जाओगे साइड में, ऐसा नहीं सिर्फ सुन रहा है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका रीजन भी अगर पॉसिबल है तो साइड में लिखते जाओगे, कि जब रिवीजन करो तो क्लियर रहे कि क्या रीजन था स्टेबिलिटी ऑर्डर इस टाइप का आने का। 2 1 3 टू में रेजोनेंस के साथ साथ α CH भी 3 है, फर्स्ट में कोई α CH है ही नहीं और थर्ड में तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा। इसको नोट करो, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे अच्छे अच्छे हम लोग यहाँ पे। अभी चलो नोट कर लिया होगा यहाँ तक, हम आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट है इसमें, अब इस टाइप का एग्जांपल आ रहा है CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज NO2 CH2 पॉजिटिव चार्ज OCH3। बहुत ही बेसिक है, ऐसा नहीं कि GOC1 GOC2 आज पढ़ लिए है, 12th में जितना भी चैप्टर आएगा हर एक में इसका एप्लीकेशन होता है। GOC1 GOC2 मैं स्टार्टिंग लेक्चर से बता रहा हूँ तुम लोगों को, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए ताजी का काम रहेगा, पूरे 12th में इसी का काम रहता है। अब देखना यहाँ पे हर केस में जो कार्बोकेटायन आ रहा है यहाँ पे, इस चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है मुझे। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि ऊपर वाला तो सब पार्ट सेम है, इसमें जो ग्रुप लगा हुआ किस नेचर का ग्रुप है। तो सबसे पहले OCH3 को देखना है कि ये किस नेचर का है, तो बेंजीनिंग के रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट एटम है ऑक्सीजन, उस पर लोन पेयर है, दैट मीन्स ये प्लस सेम नेचर का ग्रुप होगा। NO2 है, तो NO2 की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, दैट मीन्स ये माइनस एम ग्रुप है। फर्स्ट एटम पे अगर डबल बॉन्ड है, CH3 जो होता है ये क्या रहता है, इसमें प्लस आई, जितना भी अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई,
और एक पॉइंट याद रखना है कि इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आ रहा है CH3 पर, जो आ रहा है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे। तो जब पैरा पोजीशन पे या आर्थो पोजीशन पे हो, देख लो कि मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि CH3 ग्रुप हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप जिसके पास के अल्फा CH कम से कम हो, तो वहां पे अगर ये इस टाइप से आ रहा है तो ये हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट भी शो करता है। CH3, ये CH3 इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, जो भी ग्रुप यहाँ पे हो उसके रेस्पेक्ट में आर्थो या फिर पैरा पे होगा, उस केस में CH3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन का भी इफेक्ट लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि जब ये CH अल्फा CH को मूव कराते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसे हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा CH मूव करता था बाउंड, और जैसे ही मूव करेगा तो ये पाई बाउंड इधर ओपन होता था यहाँ पे, और जैसे ही इधर ओपन होगा यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस केस में, और यहाँ पे डबल बाउंड CH और H+ इसके बीच में कोई बाउंड नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, नो बाउंड रेजोनेंस। यहाँ पे जो एक पाई बाउंड आ रहा था, एक पाई बाउंड इधर था और ये CH2+, अब ये जो नेगेटिव चार्ज ये इधर आएगा और ये पाई बाउंड यहाँ पे आता है, तो इस हाइपर कंजुगेशन CH3 के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन तक पहुंच पा रहा है, जिस कार्बन से ये ग्रुप कनेक्टेड है, और जिस कार्बन से अगर ये ग्रुप कनेक्टेड है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन जो CH3 ग्रुप है उसको जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ तक आ रहा है इस कार्बन तक, तो ये CH3 ग्रुप जो है हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट इस ग्रुप के लिए लगा रहा होगा। तो आर्थो और पैरा पे जब CH3 ग्रुप है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो पाता है जिस कार्बन से कि ये ग्रुप कनेक्टेड है CH2+, दैट मीन बोलते हैं कि हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट भी लगाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि CH2+ के रेस्पेक्ट में, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे साइड में, तुम लोग भी लिख लोगे, CH2+ में लिख रहा हूँ, बट इसके रेस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप हो, CH2+ के जगह OHO NH2 जो भी रहे, उसके रेस्पेक्ट में CH3 ग्रुप अगर आर्थो और पैरा पे है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा वहां पे? प्लस आई तो लगाता ही है, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी लगाएगा यहाँ पे। बट वही CH3 ग्रुप अगर मेटा पोजिशन पे आ रहा है, यही CH3 ग्रुप CH2+ के रेस्पेक्ट में अगर मेटा पोजिशन पे है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्ट लगाता है प्लस आई का लगाएगा, कोई भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगा पाता है, क्योंकि जब इसका हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाता यहाँ पर, और जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा तो इसका कोई भी रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो सिर्फ प्लस आई यहाँ पे मेटा पे है और आर्थो और पैरा पे CH3 है, तो प्लस आई के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी ऑपरेट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी से याद रखना है, और इसका रीजन भी बताया कि जब आर्थो और पैरा पे होता है तो नेगेटिव चार्ज इस कारण पे पहुंच पाता है जहां पे कि एक ग्रुप कनेक्टेड है CH2+, जिसके चलते बोलते हैं कि वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाता है। जबकि मेटा में अगर इसका हाइपर कंजुगेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मेटा वाले पे यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता इस कारण पे, दैट मीन हम लोग बोलेंगे कि ये सिर्फ प्लस आई लगाता है, इसको याद भी रखना। अब देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये प्लस एम ग्रुप का नेचर पता चल गया कि ये प्लस एम माइनस एम, ये हाइपर कंजुगेशन और इसमें कोई भी ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, रेजोनेंस बोलो या मेसोमेरिक, वो सेम है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो रहता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है हाइपर कंजुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पे प्लस एम को 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस कार्बोकेटाइन को, दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4 के बाद फिर क्या रहेगा, सेकेंड में प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको। उसके बाद क्या रहेगा, 1। थर्ड तो क्या है, थर्ड में तो माइनस एम नेचर का ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है और अभी इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने, दैट मीन्स ये सबसे लास्ट में आएगा, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा NO2 इस कार्बोकेटाइन को, तो थर्ड सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन का हम स्टेबिलिटी ऑर्डर सोच पाते हैं इस केस में। नेक्स्ट है कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग, इसमें जो भी ग्रुप है उसका नेचर पता करना है बस, तो नेचर पता हो जाएगा तो खुद से वहां पे पता कर पाओगे कि क्या रहेगा। एक एग्जांपल सिंगल टाइप का ही करते हैं हम लोग यहाँ पे,
CH2 plus CH2 plus Cl CH2 plus NH2 CH2 plus CHO। देखो इसको खुद से ट्राई करो एक बार, यहाँ पे इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है, ऊपर के जैसा ही है। तो सोचो इसमें दो मिनट और बताओ इसमें चेट में क्या ऑर्डर आ रहा है, वन टू थ्री फोर में। अब यहाँ पर देखना था जो भी नेचर का ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या है CHO। सोचो भी जो लोग सोच सकते, सोचो CHO आ रहा है C डबल बॉन्ड O H है, तो फर्स्ट एटम पे जो बेनजीन से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड, दैट मींस ये माइनस M। नाइट्रोजन पे क्या अंडरस्टूड है, एक लोन पेयर है, तो फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है जो बेनजीन से कनेक्टेड है, प्लस M। क्लोरीन, मैंने डिस्कशन क्लास में बताया था कि कोई भी हाइड्रोजन एटम हो, किसी भी पोजिशन पे हो इस CH2 प्लस के एस्पेक्ट में, तो उसका ये प्लस आई भी, ये प्लस है माइनस एम भी शो करता है और माइनस आई भी शो करता है, बट डोमिनेंट नेचर क्या रहता है इसका, माइनस आई। ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के केस में माइनस आई का नेचर ही क्या होता है, डोमिनेंट, दैट मीन्स माइनस आई का ये जो नेचर है उसी को कंजर्व करना है यहाँ पे, और इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा होती है, बीच में रहेगा। यहाँ पर अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा इसमें, यहाँ पे थर्ड, क्योंकि थर्ड में क्या आ रहा है, प्लस एम नेचर का ग्रुप एडेड है यहाँ पे, कनेक्टेड है। थर्ड के बाद क्या रहेगा फिर इसमें, यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि माइनस आई माइनस एम कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करता है माइनस आई माइनस एम इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई और माइनस एम के साथ, पीछे पेज पढ़ करके देख सकते हो। थर्ड वन, वन के बाद फिर क्या आ जाता है यहाँ पे, अब टू और फोर में देखना है, तो माइनस एम जब भी है तो माइनस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता भी ज्यादा है कार्बोकेटाइन को, और माइनस एम के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, विड्रॉ भी करेगा, दैट मीन्स फोर लास्ट में आ जाएगा, उससे आगे क्या रहेगा तुम्हारा सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इस एरो का मतलब क्या है, डोमिनेंट, माइनस आई नेचर ही क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है हेलोजन के केस में, कोई भी हेलोजन हो, क्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, उस केस में क्या डोमिनेंट रहता है, माइनस आई नेचर है उसका, हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर मेजरिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए। चलो एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं, अभी भी टाइम है अपने पास यहाँ पे, तो एक दो एग्जाम्पल और देख पाएंगे हम लोग। चलो नोट कर चुके हो गए, मैंने एक्सप्लेन किया इसको, तुम लोग तो नोट ही कर रहे थे, आगे हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो बस दो एग्जांपल और करना है यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। अब इसमें अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करें यहाँ पे, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इसमें बताओ तुम लोग यहाँ पे है, फर्स्ट वाले में जो आ रहा है, फर्स्ट वाला कैसा स्पेसीज है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, सोच करके बताओ इसमें। एरोमेटिक, ये क्या रहेगा, एरोमेटिक। पहला ये एग्जांपल लोग क्लास में किए हुए थे इस टाइप का, पहला या जो भी दूसरा तीसरा एग्जांपल था एरोमेटिक में, कैसे चेक करना है पता चल गया कि ये क्या एरोमेटिक है। सेकंड वाला क्या आ रहा है, एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक,
सही है, क्योंकि ये कैसा बन गया, अभी यहाँ पे sp3 आ गया, ये नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सही है। थर्ड क्या है, एंटी एरोमेटिक है, क्लास नोट्स में सारा एग्जांपल कराया गया है। फोर्थ क्या होगा, नॉन एरोमेटिक सही है, बिल्कुल नॉन एरोमेटिक। अब देखने की सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ उसके बाद फिर नॉन एरोमेटिक होता है, ये भी नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक। तो टू और फोर में कैसे कंपेयर करें, तो टू में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन फोर्थ में जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में है और ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन सेकेंड में जो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड के एक ही पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, जिसके चलते फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा टू से, और थर्ड तो सबसे लास्ट में बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, अगर दो दो नॉन एरोमेटिक आ रहे तो उसमें क्या सोच रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मोर कंजुगेशन में, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ में ज्यादा होगा सेकेंड से, दैट मीन्स फोर्थ ज्यादा स्टेबल फिर टू और फिर थर्ड। तो सबका प्रॉपर रीजन भी लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक और एग्जांपल करते हैं इसमें लास्ट में, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे एक ऑप्शन भी ऐड करना था हम लोगों को बीच में, पॉजिटिव चार्ज बीच में क्या रहा, ऑप्शन एटम आ रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीजन एटम बीच में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे करें अगर हम, तो देखने की फर्स्ट में तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सेकेंड में कोई रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करके बताओ यहाँ पे, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विथ लोन पेयर, यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा, हम लोग केस पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है अब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ एडजेसेंट में नहीं आ रहा है, कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड में रेजोनेंस नहीं होगा और फोर्थ में भी जो है रेजोनेंस नहीं हो पाता है। अब देखना है कि जब यही ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में नहीं है, अब यही ऑक्सीजन एटम जो रहेगा ये sp3 कार्बन था और sp3 कार्बन से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है, दैट मीन्स ये माइनस आई, और ये भी क्या लगाएगा यहाँ पे माइनस आई पर लगा पाता है, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई, क्यों माइनस आई, क्योंकि sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जबकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में आ रहा है, और जब रेजोनेंस में आ रहा है हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर है इसके पास, ये प्लस एम नेचर का ग्रुप होगा यहाँ पे, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और जहाँ पे रेजोनेंस होगा वहीं पे मेसोमेरिक की बात करते हैं, याद रखना रेजोनेंस मेसोमेरिक सेम ही है बेसिकली। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकेंड, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अब देखना है कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ में, तो थर्ड में तो माइनस आई लग रहा था और फोर्थ में भी माइनस आई है, और माइनस आई क्या करता है, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है, जो स्टार्टिंग में देखे थे, क्योंकि माइनस आई ग्रुप ऐसा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज है, तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा उसको स्टेबलाइज करे, वो स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को, और अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप है लाइक माइनस एम माइनस आई, वो क्या करता है, डिस्टेबलाइज ही करेगा वहां पे। तो सेकेंड के बाद क्या रहेगा, फर्स्ट। अब थ्री फोर में कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये भी माइनस आया और ये भी माइनस आया, बताओ कोई बता सकते हो, तो थ्री और फोर में कौन सा ज्यादा स्टेबल, चलो देखते हैं, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब एक पॉइंट ये भी पढ़े थे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कैसा इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, चाहे माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो, कि जब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो इस पॉजिटिव चार्ज के एस्पेक्ट में ये जो ऑक्सीजन है थर्ड वाले केस में ये नजदीक है,
और इसके स्पेक्ट्रम अगर ये नजदीक है ये क्या होगा, ज्यादा इफेक्ट लगा पाएगा और ज्यादा इफेक्ट लगाएगा दैट मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट कर पाएगा। जबकि फोर्थ में क्या है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के स्पेक्ट्रम में दूर जा रहा है, दूर में, और जब ये दूर में है दैट मीन्स उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जितना थर्ड में करेगा। और अगर कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है पॉजिटिव चार्ज का, तो अगर डोनेट नहीं कर रहा है तो ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट भी इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है तो फोर्थ का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा थर्ड से। तो थ्री फोर में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, थर्ड नजदीक है, माइनस आई इफेक्ट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा अपनी तरफ तो ज्यादा डिस्टवाइज कर पाएगा, और फोर्थ कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ एक्सेप्ट करता है तो कम डिस्टवाइज करेगा दैट मीन्स मोर स्टेबल फोर्थ रहेगा। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कैसा क्यों हो रहा है। लॉजिकल सब्जेक्ट है तो लॉजिक से लगाओगे तो रटोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। चलो ठीक है, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, इसका आगे का एक कुछ और एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट जो इंजेक्शन इंटरमीडिएट था फ्री रेडिकल कार्बन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। सर पीडीएफ सेंड कर देना। चलो ठीक है, बना लेता हूँ पीडीएफ। बेसिकली इसका जो रिकॉर्डिंग है, शायद ये रिकॉर्डिंग मैंने किया, अगर वो प्रॉपर यूट्यूब में जा पाता है, आज का जो लेक्चर है सेम, तो मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा वो लिंक, या पीडीएफ तो पहले भेज ही दूंगा मैं। चलो ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं। या कोई डाउट हो तभी पूछ सकते हो, सारा पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पेज नंबर पे कोई डाउट हो तो लास्ट का 5 मिनट लोग डाउट के लिए भी रख सकते हैं कोई डाउट हो, क्योंकि बीच में कभी कभी क्या होता है डिस्टर्बेंस के कारण मैं पूरे को म्यूट कर देता हूँ, तो कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लिया करो फिर। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पर।